वेलकम बैक टू पी एस सी यानी बाई स्टडी सर्कल आज की वीडियो है टेंथ एन आई एस वाले स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश जिसका कोड है टू जीरो टू उसका सेक्शन ए विच नेम इज़ रीडिंग सेक्शन सो गज़ रीडिंग सेक्शन जो है आपका इसमें आपके कुछ अनसीन पैसेजेस आते हैं जो आपको फिफ्टीन मार्क्स यहाँ से दिला सकते हैं तो मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप नहीं करना ये जितने भी पैसेजेस मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इनकी जो है एग्जाम से पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा बाकी इससे पिछली वीडियो में मैं आपके साथ पूरा का पूरा सेक्शन बी बी डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें आपका मैसेज राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग लेटर और सिचुएशन तो सारी वीडियोस के फॉर्मेट के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो आप वहाँ से अपना पूरा का पूरा सेक्शन बी कंप्लीट कर सकते हैं एंड अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की तो सेक्शन बी के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके फॉर्मेट बेस्ड हैं तो सेक्शन बी uh, की जो जितने भी वीडियोज हैं जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट भी समझा रखे हैं तो फॉर्मेट रिलेटेड वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसके अलावा गैस अगर आपको इंग्लिश में नाइन्टी प्लस का स्कोर करना है तो मैंने अभी दो तीन दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आप इंग्लिश में नाइन्टी परसेंट का स्कोर किस तरीके से कर सकते हैं वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश के पेपर का पैटर्न नहीं पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन और आपकी क्या वेटेज है तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन ए विच नेम रीडिंग सेक्शन जो आपके फिफ्टीन मार्क्स का होता है तो कुछ पैसेज मैं आपको बता रही हूँ और किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पैसेज के अंदर वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं मेक श्योर इसी तरीके की अदर यूज़फुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकोन को दबार करके रखें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके पास पहुंचती रहे इंग्लिश का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज मैं आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ सिलेबस की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए शुरू कर लेते हैं बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ताकि आपके पास सारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी पहुंच सके और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल के लिंक भी मिल जाएंगे ठीक है तो आप वो भी अपने प्रिपेयर कर सकते हैं तो देखिए ये रहा आपका पहला पैसेज अगर मैं बात करूं जो आपका पेपर की शुरुआत होती है ना इंग्लिश के तो वो सेक्शन ए से ही शुरुआत होती है जिसका नाम रीडिंग सेक्शन है जो कि टोटल आपका पंद्रह नंबर का होता है और यहाँ पर आपके केवल दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक आपका आठ नंबर का पैसेज पूछा जाता है और एक सात नंबर का तो आप देख लीजिए ये रहा पहला आपका आठ नंबर का तो जनरल जो इश्यूज होते हैं या फिर जो जनरल टॉपिक होते हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर इस पैसेज में जो है पूछा जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैसेज में एनवायरमेंट के बारे में है तो आप इस पैसेज को अच्छे से प्रिपेयर करिए आठ नंबर का आपका इतना इतना लेंथी पैसेज होता है आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं और ये पैसेज आपके काफी बार रिपीट हुए हैं तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ठीक है चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पैसेज के बेस पर ये जो आपका आठ नंबर का पैसेज है किस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ये रहा यह क्वेश्चन है उनके आपको आंसर करने हैं इस पैसेज को पढ़ने के बेस पर तो आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के पैसेज में वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एक नंबर का आपको क्या आएगा कि एक सेंटेंस दे दिया इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने

और चार ऑप्शन वाले आते हैं तो देखिए ये रहा इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आने हैं और थर्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में भी आपका यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर आपका फोर्थ फिफ्थ इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते अगर आप इसको पैसेज को थोड़ा सा खुले दिमाग से पढ़ लेते हो तो इसी के अंदर से ना आपको ये क्वेश्चन करने को दिए गए हैं तो वन वन मार्क के क्वेश्चन थे अभी इसके बाद आप देख सकते हैं इसी पैसेज में से आपका जो है ये रहा एक टू मार्क्स का भी क्वेश्चन है जो आपको जो है निशान लगा के ऊपर से कि भाई कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर है कुछ लाइन्स के अंदर इसको लिखना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि आठ नंबर का जो आपका ज जाया है उसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो है फिलिंदा ब्लैंक्स के हैं कुछ मल्टीपल चॉइस है और एक दो नंबर एक दो क्वेश्चन आपका इस तरीके का है जिसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा तो ये आपका आठ नंबर का पैसेज है इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करने हैं आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए के अंदर आपका आता है रीडिंग सेक्शन के अंदर वो अगेन आपका एक पैसेज का आता है और ये आता है आपका सेवन का हो सकता है आपके एग्जाम में सेवन मार्क्स का जो पैसेज है उसको पहले नंबर पर दे दे और एट मार्क्स मार्क्स वाले को बाद में तो ये दोनों ऊपर नीचे आपके आ सकते हैं लेकिन आते आपके दो ही पैसेज हैं तो मैं आपको ये जो पैसेज दिखा रही हूँ आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप देख सकते हैं फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ कई सारे पैसेजेस मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर के आई हूँ तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए आपको क्या करना है इनको पैसेजेस को अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम देने से पहले ठीक है चलिए तो देखिए ये रहा इस पैसेज के बेस पर जो आपका सेवन मार्क्स वाला पैसेज है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको जो है पहले में तो वही है कि भी बेस्ट ऑप्शन चूज़ आपको करना है ये रहा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का ही है एक नंबर का क्वेश्चन तो जब आप इसको पढ़ोगे तो ईजिल आप इसको कर लोगे बाकी पैसे सॉल्व करने का क्या तरीका है ये टॉपिक मैंने पहले ही कवर आपका कर रखा है वो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मल्टीपल चॉइस है एंड देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल चॉइस है ठीक है तो आप देख सकते हैं अच्छा एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि भी सिमिलर वर्ड आप बताइए कहते हैं ना कि पर्यावाची शब्द इस तरीके से तो इसके लिए आप जो पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ज्यादा टफ लेवल की इंग्लिश यहाँ पर नहीं आती थोड़ा ईजी ही आती है तो आपको थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का भी यहाँ पर ध्यान रखना है चलेगा इस आगे बढ़ लेते हैं तो ये रहा एक क्वेश्चन जो है आपका ये जो है ऊपर वाला चार नंबर का इसमें आपको थोड़ा सा लिखने को आएगा क्योंकि ये आपको वैसे ही मतलब क्वेश्चन आंसर वाला टाइप का दे दिया है उसके बाद आप देख सकते हैं ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दो नंबर का क्वेश्चन है जैसे कि ऊपर वाले पैसेज में था तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा लिखना कहाँ से है लिखना सिंपल uh, ही है ऊपर uh, पैसेज के अंदर से ही छाँट छाट के आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है चलिए तो ये आपका ऊपर मैंने एक एट नंबर का पैसेज आपको दिखाया था उसके बाद सेवन मार्क्स का अब मैं फिर से आपको एक और एट मार्क्स वाला पैसेज दिखा देती हूँ मैंने ऊपर आपको समझा दिया है अब हम फटाफट से देख लेते हैं आगे के पैसेज भी इसी फॉर्मेट पर बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगी पहले आप पैसेज देख लो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कंजूसी मत करना लाइक कर देना और अपने और फ्रेंड्स की हेल्प के लिए उनके पास इसको शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और चैनल पर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने जितनी भी आपको वीडियोज़ बताई हैं वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत अच्छा यू नो काम कर सकती हैं अगर आप एग्जाम से पहले उनको देख लेते हो तो क्योंकि सारी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कभी भी बच्चों का ऐसे नहीं टाइम वेस्ट कराया या फिर बेकार की चीज़ें उनको बताई तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल वही आपके साथ इस चैनल के थ्रू मेरे थ्रू शेयर किया जाता है आप देख सकते हैं ये रहे इसके यहां पे आगे बढ़ लेते हैं ठीक है, तो ये रहा आपका, ये टाइप का आपका है। और फिर इन ब्लैंक सॉरी और ये आपका मल्टीपल चॉइस ठीक है तो मतलब ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सिमिलर वर्ड मीनिंग यहां से आपसे पूछी है ये दो वर्ड दे दिए बताओ पैसेज के अंदर इन वर्ड्स का सिमिलर वर्ड कौन सा है नीचे आप देख सकते हैं बाकी किसी भी स्टूडेंट को अगर इसकी पी फाइल चाहिए गाइस तो पी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जितने भी आपके आपका जो है सेक्शन भी मैंने कंप्लीट कराया था आपका मैसेज राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशन लेटर वो सारे पीडीएफ आपको इजीली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर इस तरीके से मतलब सेवन मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अब इस पैसेज के बेस पर ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं इसी तरीके से आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी तरीके से करने को आएंगे पैसेज हो सकता है थोड़ा बहुत बदल अदल के आ जाए मगर फॉर्मेट पूरा आपका यही रहना है और इन पैसेज के अंदर से भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको इसलिए प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन को इन पैसेजेस को अच्छे से प्रिपेयर करना है जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको रट्टा यहां से कुछ नहीं लगाना आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है इन पैसेजेस की तो आप पी टेलीग्राम से ले लेना वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक रजिस्टर ले लीजिए उसमें आप जो है इसी तरीके से क्वेश्चन लिख लिख के पहले पैसेज पढ़िए देन क्वेश्चन के आंसर आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पैसेज है आपका ये रहा सेवन मार्क्स वाला आप देख सकते हो तो एक पैसेज आपका सेवन मार्क्स का आएगा नेक्स्ट आपका एट मार्क्स का या फिर पहले एट का आ सकता है दूसरा सेवन का तो ये आगे पीछे हो सकते हैं बट तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और जो लेंथी होता है पैसेज इतना ही लेंथी होता है और इतना ही टफ़ या इजी जो भी आप समझें इसको मतलब लैंग्वेज जो है इतना इतने लेवल के इस पर यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ लेते हैं काइस बाकी गर्ज़ अगर आपको इंग्लिश की और बेहतरीन तैयारी करनी है आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में समझना है आपको जो है बिल्कुल अच्छे से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तो बस सुन तो लर्न इंग्लिश चैनल पर मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी जो है डिस्कस कर रही हूँ और हर एक चैप्टर को डिटेल में उनकी एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन राइटिंग सेक्शन सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं तो आप एक बार देख लेना लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है चलिए गर्ज़ देख लेते हैं ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर मतलब आठ नंबर का आपका क्वेश्चन है ये ठीक है यहां से आपका ये क्वेश्चन शुरू हुआ है मतलब ये पैसेज शुरू हुआ है बेसिकली और इसके बेसिस पर जो है आपके क्वेश्चन ये रहे चलिए गए आगे बढ़ लेते हैं तो एक अगेन आपका एक और पैसेज मैं यहां पर दे रही हूँ कई सारे पैसेजेस मैंने आपके लिए यहां पर ये तैयार किए हैं तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें <स्याँग> बाकी कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर चलिए एक और पैसेज हम यहाँ पर देख लेते हैं सो आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को इन पैसेजेस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एग्जाम से पहले पहले ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको एक बढ़िया तरीके का आइडिया हो जाए कि भी हाँ आपके जो है किस तरीके के पैसेज आने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या रहने वाले हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे वेटेज क्या होगी तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा चाहे आप अप्रैल वाले बच्चे हों चाहे आप अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स हों सभी के लिए वीडियो है आप सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है सो गाइज़ यहाँ तक मैंने आपको काफ़ी सारे पैसेज शो कर दिए आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ साथ ही साथ बेलाइकन को दबा करके रखें और अगर आपको पी चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है इसके अलावा गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिंक मैं आपको देने वाली हूं तो एक बार जरूर उसको चेक करना सारी वीडियो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करा सकती है तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश की और अच्छी तैयारी करनी है तो लर्न इंग्लिश चैनल पर मुझे जरूर मिलेगा लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपके लिए और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर नहीं है आपके पास बुक्स नहीं है स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो सारी चीजें आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली जाके जिसका नाम है पीएससी यानी पाई स्टडी सर्कल इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो साथ ही इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी वहां पर हमने आपके लिए कई सारे कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं लाइक आपका टेंथ का हिंदी ठीक है इसके अलावा आपका सोशल साइंस हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में तो आप देख लेना वहां पर आपका जो है बहुत ही कम फीस में बहुत अच्छा तरीके से हम आपका कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं कुछ डेमो वीडियोस हैं डेमो वीडियोस देखकर अगर आपको समझ में आए पसंद आए तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो ठीक है तो चलिए और साथ ही साथ आपको सभी सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो और चल दिन कीप स्टडी इन बाई स्टडी थैंक यू सो मच एंड गुड बाय